रामाधारी सिंह दिनकर ने बच्चों की बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। सूरज का प्यास उसमें से एक है। इसमें सूरज के प्यास के बारे में चर्चा की गई है और एक बूढ़ी मछली की यह चिंता है कि अगर सूरज का प्यास हो गया तो उसके छोटे छोटे बच्चों से जो गर्मी आएगी से दुनिया भर के लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। आइए इस कविता का पाठ करें। उड़ी एक अफवाह, सूर्य की शादी होने वाली है। वर के विमल मौर में मोती उषा पिराने वाली है। उड़ी एक अफवाह, सूर्य की शादी होने वाली है। वर के विमल मौर में मोती उषा पिराने वाली है। मोर करेंगे नाच, गीत कोयल सुहाग के गाएगी। मोर करेंगे नाच, गीत कोयल सुहाग के गाएगी। लता विटप मंडप वितान से वंदन वार सजाए। जीव जंतु भर गए खुशी से वन की पात पात डोली। इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली। सावधान जलचरों, खुशी में सबके साथ नहीं भूलो। प्यास सूर्य का ठीक, मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो। एक सूर्य के ही मारे हम विपद कौन कम सहते हैं। गर्मी भर सारे जलवासी छटपट करते रहते हैं। अगर सूर्य ने ब्याह किया 10-5 पुत्र जन्माएगा। सोचो तब उतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। अच्छा है सूर्य कुंवारा है, वंश विहीन अकेला है। इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर बड़ा झमेला है।